देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित योर फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, पीआर गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉक टेबल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उमदा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए देसी लॉन्च डॉलीगंज पोर्ट प्लेयर। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पानी बहुमूल्य होती है, इसके महत्व के बारे में हमारी सरकार टीवी प्रोग्राम्स तथा कई योजनाओं द्वारा हमें जागृत करती रहती है। हमारे द्वीपों में भी ग्रीष्म ऋतु में पानी की बड़ी किल्लत होती है। जहां एक दिन बाद पानी मिलता था, अब 4 दिनों में 20-25 मिनट के लिए ही पानी दिया जाता है, जिससे जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं हमारी पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी हर रोज व्यर्थ जाता है जगह जगह पर। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं ऑल इंडिया रेडियो जो प्रेम नगर काउंसिल के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो ऑल इंडिया रेडियो का जो रास्ता है वहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 टैंक या पानी के रिजर्वॉयर है, 3 यहाँ पे, जिनमें से एक बहुत देर से पानी लीक हो रहा है। यहाँ हम दिन और रात सोचते हैं कि किस तरीके से हम पानी बचाएं। सरकार की तरफ से इतने सारे निर्देश आते हैं पानी बचाने के लिए। वहीं हमारे पोर्टर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन पूरे द्वीपवासियों से गुजारिश करती है कि पानी को बचाएं। द्वीपवासी हो सकता है कि पानी को बचा रहे होंगे, मगर जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनका क्या कहना है ये आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ के जब हमने स्थानीय निवासियों से बात की जिन्होंने हमें इस बारे में इतना की, तो उनका कहना है कि लगभग 2 घंटे से ये पानी इतनी रफ्तार में यहाँ से बह के जा रहा है, मगर इसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। न जाने कितने गैलन पानी अभी चले गए होंगे, जो अगर इनको बचाया जाता तो शायद ये हम ही पासियों के ही काम आता। मगर ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे पूरे द्वीपों में बहुत सारे जगह है जहाँ पे पाइपलाइन डैमेज है, पाइपलाइन लीक्स हैं। जहाँ जहाँ पर वाटर रिजर्वायर है वहाँ पर बहुत सारे लीकेज हैं जिनको ठीक नहीं कराया जाता है। तमाम शिकायतों के बावजूद भी, और फिर जब भी गर्मी का समय आता है, समर टाइम में हम द्वीपवासियों को पानी का बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ के स्थानीय कुछ निवासियों से बात करते हैं कि ये पानी ये कब से यहाँ पे बह रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सन्मुख है। ओके, हम यहीं में रहते हैं जी। तो हम लोग 2 घंटा से ऊपर हम लोग मतलब खेलता है। ओके, तब से आया तब से वहाँ का लीक होता था, वो टैंकी फुल भर के ओवर। कौन सा टैंकी? ये वाला। ओ, बीच वाला, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये जो है। ओके, हाँ, पूरा अगर आप वहाँ पे नीचे देखिए ना, पूरा पानी हो गया रहेगा इतना देर से, 2.5 घंटा से वो भी बहता है और ये भी बहता है। ओके, तो हम लोग बोला वो जो पानी जो बोलता है उसको हम लोग बोला कि सब आके बंद करना, वो अभी तक बंद नहीं किया, अभी तक नहीं किया उसको। जो यहाँ का जो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो रहमान बोलते हैं, तो वो भैया जी उनको बोले। अच्छा, और वो अभी तक आया नहीं बंद करना। ओके, डेली होता है, सुबह 2 घंटा। देखिए यहाँ के जो युवक हैं जो इन्हीं एरिया में रहते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से जो पानी का वेस्टेज होता है ये रोज का ड्रामा है। और वहीं पे फिर हम लोगों को, अंडमान की जनता को, पानी के लिए 3-3, 4-4 दिन, आजकल तो 4 दिन में एक बार, वो भी मात्र 20-25 मिनट के लिए ज़रा सा पानी मिलता है, और उसी इतने ही पानी में हमें 4 दिन पूरे परिवार सहित चलाना पड़ता है।
फिर लोगों के पास कुएं नहीं है, हैंड पंप नहीं है, तो जो सप्लाई से पानी मिलता है उसी के सहारे उनको पूरे और यहाँ दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारे विभागों की जो लापरवाही है वो आपको खुलेआम दिख रही है कि कितना गैलन था। दो घंटे में आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि दो घंटे में न जाने कितना लीटर कितने गैलन पानी चले गए होंगे। इस पर ज़रूर सोच विचार करनी चाहिए, इसको ठीक कराना चाहिए ताकि इस तरह पानी की बर्बादी ना हो। और यहाँ के युवक ने और भी बताया कि ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है ये अभी कुछ देर पहले इसका ओवरफ्लो होना बंद हुआ, वरना डेढ़ दो घंटे से ये ओवरफ्लो होके जा रहा था। जब ये टैंक ओवरफ्लो होता है तो जो पानी का जो कैपेसिटी है, जो जिस मात्रा में वो बाहर निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। न जाने कितना कितना लीटर पानी अब तक बह चुका होगा। जैसे यहाँ के युवक लोग बता रहे हैं, ये जो टैंक आपके सामने दिखाई दे रहा है और जो सामने जो पाइप है, जब ओवरफ्लो होता है तो उस पाइप से पानी बहता है, तो इनका कहना है कि तकरीबन डेढ़ दो घंटे तक ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होकर बह रहा था, तब जाके इन्होंने यहाँ के इन्फॉर्म किया कि इस तरह पानी का वेस्टेज हो रहा है, तब जाकर ये रुका है। मगर वो जो पाइप वहाँ पे फटी हुई है या क्रैक है जो भी है, वहाँ से पानी अब तक बह रहा है और ये कब रिपेयर होगा पता नहीं है, लेकिन जब तक रिपेयर होगा बहुत न जाने कितने लीटर या कितने गैलन पानी जा चुका होगा। ये पानी को अगर हम बचा, और इन लोगों का कहना है कि ये एक दिन का बात नहीं है, ये हर रोज़ सुबह से लेकर दोपहर तक ऐसे ही पानी बहता रहता है। अगर हमने इस पानी को बचाया भी होता तो वो ज़रूर काम आता। हमारी देश की सरकार विज्ञापनों के द्वारा, जगह जगह पोस्टर बैनर के द्वारा, कई सारे योजनाओं के द्वारा हम जनता को ये निर्देश देती है कि पानी को बचाया जाए, पानी कितना बहुमूल्य है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद प्रशासन की ओर से ऐसी ढील देखने को मिल रही है, तो इस पर ज़रूर हमारे अंडमान प्रशासन को कदम लेना चाहिए। जितने भी पाइपलाइन है या कनेक्शन है जहाँ जहाँ पर लीकेज होती है, उन लीकेजेस को ठीक करना चाहिए ताकि पानी को बचाया जा सके। और हमें उम्मीद भी है कि हमारी प्रशासन इस पर ज़रूर ध्यान देगी और अंडमान निकोबार में जहाँ जहाँ पर वाटर लीकेजेस हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करेगी ताकि इस तरह पानी की बर्बादी ना हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर ध्यान देगी और पूरे अंडमान निकोबार में जहां जहां पानी व्यर्थ हो रही है उसे बचाने के उपाय निकालेगी ताकि जनता को पानी की समस्या से थोड़ी राहत मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस खबर से विदा लेती हूँ। नमस्कार।